हे गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। कैसे हैं आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में नीचे। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ अमेज़न इको डॉट के बारे में। तो अमेज़न का प्रोडक्ट है ये। अमेज़न बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकालता है अपने, लाइक फायर टीवी और पेपर वाइट। तो ये भी उनकी रेंज का प्रोडक्ट है। एक वॉइस कमांड के ऊपर चलता है ये। तो बाहर है इसका लिखा हुआ है इसके फंक्शंस क्या क्या इसके अंदर है, ब्लूटूथ एंड उसके अलावा कुछ खास नहीं है बाहर। तो खोलते हैं इसको। ये है अमेज़न इको का जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है। तो ये गाइस दो रेंज में आता है, एक तो छोटे वाला, एक उससे बड़े वाला जिसमें बड़ा स्पीकर होता है, इसके अंदर छोटा होता है। तो यहाँ पे गाइस फैब्रिक है राइट, और ऊपर इसके चार बटन्स हैं, ये वॉल्यूम कम करने का, बढ़ाने का, और ये दो बटन्स हैं, ये बाद में देखेंगे हम इनके फंक्शंस क्या। और ये जो चार ऊपर आप यहाँ पे होल्स देख रहे हैं, ये बेसिकली माइक्स हैं गाइस। ओके, तो सॉलिड है, इसको खोल के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से आप इसको चार्जिंग करते हैं, यहाँ से आप चार्जिंग करते हैं, और यहाँ पे आपका लगता है ऑक्स, लाइक आप कोई भी स्पीकर इसे कनेक्ट कर सकते हैं। वो तो वैसे ब्लूटूथ से भी कर सकते हैं अगर वायरलेस है, और अगर वायर्ड है तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ मैनुअल्स हैं, एंड उसके अलावा इसके अंदर है इसका चार्जर, पावर ब्रिक राइट। तो इसको फटाफट खोल के गाइस मैं अभी आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूँ कि कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने फ़ोन के अंदर। मेरे पास यहाँ पर एंड्रॉयड फ़ोन है। पावर देके इसको ज़िंदा करते हैं, उसके बाद फिर हम कनेक्ट करेंगे। ओके गाइस, तो अब मैं दे रहा हूँ इसको पावर राइट, यहाँ पर लगा दी। सो गाइस, सबसे पहले हमें करना है इसके अंदर लॉगिन। खोलते ही जब हम ऐप को खोलेंगे इंस्टॉल करने के बाद, वो आपसे लॉगिन इन्फॉर्मेशन के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। तो फटाफट मैं लॉगिन करके आगे इसको बढ़ाता हूँ। सो गाइस, मैंने कर लिया अब इसके अंदर लॉगिन। अब ये जा रहा है नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो अब ये पूछ रहा है मुझसे कि आई एम, मतलब जो जिस अकाउंट से लॉगिन किया, क्या मैं वो हूँ या क्या समवन एल्स हूँ। के अंदर जब हम वॉइस कमांड इसको देते हैं, तब ये हम इसको कॉल की और बाकी वॉइस कमांड भी देते हैं। फिलहाल ये कॉन्टेक्स्ट की परमिशन मुझसे मांग रहा है, तो अलाउ कर दूंगा इसको, अलाउ। एंड आफ्टर दैट ये पूछ रहा है गाइस कि गेट थिंग्स डन ऑन होम, मतलब इट्स जस्ट लाइक अ वेलकम स्क्रीन टू अस, जिसके अंदर ये बता रहा है कि हम एलेक्सा पे क्या क्या कर सकते हैं। सो नेक्स्ट नेक्स्ट एंड डन राइट। तो गाइस ये है इसका इंटरफेस, ऐसे ये सेटअप होती है राइट। ये ऐप है, ये अभी इसके अंदर मैंने इको डॉट कनेक्ट नहीं किया है, सिर्फ फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हुई है। मैं अगर इसके अंदर यूज़ करूँगा तो सिर्फ फ़ोन के अंदर ये चलेगी राइट। तो अगर मुझे इको डॉट कनेक्ट करना है तो मेरे को मोर में जाना है और यहाँ पर ऐड अ डिवाइस करना है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर, आप देखोगे अमेज़न इको, एंड यू नीड टू प्रेस दिस बटन, इसको होल्ड करके रखना है। यहाँ पर ऑरेंज लाइट आएगी साइड में Like this. अब हम सेटअप मोड में हैं। सेटअप मोड में है राइट। अपने अलेक्सा ऐप में दिए गए निर्देशों का पालन करें। सो विल सेलेक्ट इको डॉट। अब इको डॉट के अंदर हम गए और इज प्लग्ड इन दिस, यस इट्स डिस्प्लेइंग एन ऑरेंज लाइट, यस। प्रेफर्ड लैंग्वेज, आई गो विद इंग्लिश, कंटिन्यू, अलाउ वन मोर परमिशन एक्सेस, ओके, अलाउ ऑल द टाइम। Now it's searching for the Echo Dot. ये आ गया Echo Dot हमारा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। Now it's asking for the Wi-Fi network. Wi-Fi network जो ये डिवाइस यूज़ करने वाला है वो Wi-Fi network सेलेक्ट किया हमने। This device is ready. So guys, आपने देखा कितना ईजी है इसको कन्फिगर करना। अब यहाँ पर Echo Dot is now connected and continue. तो अब हम इसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लाइक हम इसको बता सकते हैं कि कौन से रूम में है, किचन में है, डाइनिंग रूम में, उसके अकॉर्डिंग ये अपने जो प्रेफरेंसेस है वो सेट कर लेता है राइट। इसको हम स्किप कर सकते हैं या फिर इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं, लाइक आई विल पुट इट इन बेडरूम एंड देन कंटिन्यू, ओके। नाउ इट्स आस्किंग फॉर द एड्रेस, इसको भी कंटिन्यू कर देते हैं। ये आगे वेलकम स्क्रीन, इसको भी स्किप करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस कि इसके अंदर आप, अब हमारा सेटअप कम्प्लीट है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके। तो मैं होम में जाता हूँ सबसे पहले। ये आ गया आपका होम, एंड यहाँ पर आपके आएंगे डिवाइसेस सेटिंग्स, एंड नाउ इट्स योर प्रोफाइल अकाउंट सेटिंग डिवाइस सेटिंग्स,
ओके नाउ ये दिस इज़ द डिवाइस सेटिंग, आप इसके ऊपर जाकर यहाँ पर आप जो भी डिवाइसेस में आपको इसके अंदर इकोडोट के अंदर आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको गाइस दिखाता हूँ कि आप एक ब्लूटूथ स्पीकर इसके साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसको पावर ऑन कर लेता हूँ मैं पहले। ओके तो ये रहा ब्लूटूथ स्पीकर, इट्स इन द पेयरिंग मोड राइट नाउ, राइट। तो सबसे पहले हम ब्लूटूथ डिवाइसेस पर जाते हैं एंड इट्स नाउ सर्चिंग फॉर डिवाइसेस। ये गाइस दिस एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप अपना एक डिवाइस इसके साथ इको डॉट के साथ कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप ऑक्स केबल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये ऑक्स केबल यहाँ पर लगेगी, उसके बाद वो ब्लूटूथ स्पीकर में लगेगी और उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये ज़्यादा ईजी है मेथड। अलेक्सा हाय। हेलो। ओके नाउ यू कैन सी कि जो आउटपुट आ रही है वो इसके अंदर आ रही है। अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो इससे आप गाइस कोई बड़ा स्पीकर भी अगर आपको कनेक्ट करना है, लाइक इसकी अगर आवाज़ कम है तो आप बड़ा कोई स्पीकर कनेक्ट करके आउटपुट इसकी इसमें ले सकते हैं और ब्लूटूथ से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस यही था मेरा वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। और अगर आपके कोई भी सवाल या कोई भी क्वेरीज हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट बिलो एंड उसी के साथ ही टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, पीस।